السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فَيَدْخُلُها وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيُسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُها رواه البخاري ومسلم معزز سامين ناظرين अल्लाह ताला की तौफीक से किताब अरबाउन नौविया की हदीस नंबर चार जो इंसानी तख्लीक के मराहिल और अंजामे आखिरत से मुतालिक है आज आपकी ख़िदमत में पेश करने की शादत हासिल कर रहा हूँ अल्लाह आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जो कुछ कहें और जो कुछ सुने उसके मुताबिक हमें अमल करने की तोफ़ी अदा फरमाए अल्लाह सब को अहले अहल जन्नत में से बनाए और अहल नार से हमें बचाए मज़ज़ सामीन व नाजरीन ये हदीस पाक जो हमने हम दो के बाद आपकी खिदमत में पढ़ी है ये शेखैन की रिवायत करता है यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रही महमोल्ला ने इसे रिवायत किया है यानी बुखारी और मुस्लिम की यह रिवायत है कि हज़रत अबू अब्दाल अब्दुल्ला अब्दु बिन मसरूद रजी अल्लाह तनों से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल सल्लासम ने हमसे एक हदीस बयान फरमाई आप सच्चे भी हैं और आपकी सच्चाई तस्लीम भी की गई है आपने फरमाया तुम में से हर एक की तख्लीक को उसकी माँ के पेट में चालीस दिन तक नुतफा की शक्ल में जमा रखा जाता है फिर उतने ही दिन जमे हुए खून की शक्ल में रहता है फिर उसे उतने ही दिन गोश्त के लोथड़े की शक्ल में रहता है फिर उसकी तरफ फरिश्ते को भेजा जाता है जो उसमें रूह फूकता है उसे चार बातें लिखने का हुक्म दिया जाता है रिस्क मुद्दत उम्र और आमल और नेक बख्त है या बदबख्त। उस जात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं तुम में से कोई भी जन्नत वालों का अमल करता रहता है यहाँ तक कि जन्नत और उसके बीच सिर्फ एक हाथ का फ़ासला रह जाता है तो उसकी किताब यानी तकदीर आगे बढ़ जाती है और वो जहन्नम वालों जहन्नम वालों का अमल करने लगता है फिर जहन्नम में चला जाता है और तुम में से कोई जहन्नम वालों का अमल करता रहता है यहाँ तक कि जहन्नम और उसके बीच सिर्फ एक हाथ का फासला बाकी रह जाता है फिर उसकी किताब यानी तकदीर आगे बढ़ जाती है और वो जन्नत वालों का अमल करने लगता है फिर जन्नत में दाखिल हो जाता है महजत शाम इस हदीस पाक से हमें चंद फवायद अहकाम मालूम हुए नंबर एक माँ के पेट में बच्चे की तखलीक कई मराहिल से गुजरती है माँ के पेट में बच्चे की तखलीक कई मराहिल से गुजरती है चालीस दिन नुतफा की शक्ल में फिर चालीस दिन खून के लोथड़े की शक्ल में फिर चालीस दिन गोश्त की बोटी की शक्ल में एक सौ बीस दिन मुकम्मल होने के बाद उसमें रूह फूकी जाती है नंबर दो बच्चा की तखलीक का इन मराहिल से गुजरना अल्लाह जल की हमत से है अल्लाह तो चाहे तो लफ्ज कुन के जरिए से बच्चे को बना दे लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है, कोई ना कोई इसमें हमत है कि अल्लाह ताला बच्चे की बच्चे को इन मराहिल से गुजारता है बच्चे की तखलीक को इन मराहिल से गुजारता है नंबर तीन पेट के बच्चा की तकदीर लिखने के लिए अल्लाह की जानिब से एक फरिश्ता मुक्र है नंबर चार पेट के बच्चा पर 120 दिन गुजर जाने के बाद इस्कात जायज नहीं क्योंकि इतने दिनों के बाद उसके जिस्म में जान डाल दी जाती है और किसी जान को नाहक कत्ल करना हराम है अल्बत्ता इससे पहले इसकात के बारे में उलमा का इतलाफ है मगर ज़्यादा राज है कि वह भी नाजायज है हाँ अगर उसके इसकात में कोई शरीय मसलहत है या इसकात ना करने में माँ पर जरर है तो हरज नहीं नंबर पाँच रूह फूके जाने के बाद जो बच्चा पेट से गिर जाए रू फूके जाने के बाद जो बच्चा पेट से गिर जाए उसको ग दिया जाएगा और उसकी तकफीन व तदफीन की जाएगी और उस पर सलात जनाजा यानी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी रूह फूके जाने से पहले इस कात का यह हुक्म नहीं है नंबर छः इंसान की तकदीर उसकी माँ के पेट ही में लिख दी जाती है इंसान की तकदीर उसकी माँ के पेट ही में लिख दी जाती है इसे तकदीर उमरी का उमरी कहते हैं इससे कबल लौह महफूज में लिखी जा चुकी है इसे तकदीर अजली कहते हैं अजली कहते हैं हर साल शब कदर में भी तकदीर लिखी जाती है उसे तकदीर हाउली कहते हैं नंबर सात तकदीर पर ईमान का तकाजा ये है कि इंसान अल्लाह के तकसीम करदा रिज्क पर राजी रहे क्योंकि वही उसकी किस्मत व, वही उसकी किस्मत में है और उस रिज्क की तकमील के बगैर उसकी मौत नहीं हो सकती आदमी दूसरों के दौलत पर नजर न रखे ना ही बिला ज़रूरत किसी के सामने सवाल दस्ते सवाल दराज करे बल्कि रोजी कमाने के असबाब जराए को इख्तियार करे मुतफ़ल हदीस में है कि नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो पाक दामनी चाहता है अल्लाह ताला उसे पाक दामन रखता है और जो बे और जो बेनियाजी चाहता है अल्लाह ताला उसे बेनियाज कर देता है नंबर आठ हर इंसान की हर इंसान की मौत उसी वक्त से मुकद्दर है जबकि वह अपनी माँ के पेट में था कि वह किस साथ यानी किस घड़ी और किस मुल्क में मरेगा नंबर नौ हर इंसान का अमल और अंजाम दोनों मुकद्दर है अगर कोई पूछे कि फिर अमल की क्या जरूरत है तो इसका जवाब यह है कि यही सवाल सहाब कर राम रजील्न अजमैी ने नबी सल्ह वसम से पूछा था जैसा कि मुतफ़ाल हदीस में है तो आप सल्लम ने इसका जवाब देते हुए इर्शाद फरमाया कि अमल करो क्योंकि हर शख्स के लिए वही रास्ता आसान होगा जिसके लिए उसे पैदा किया गया है अगर नेक वक्त है तो नेक बख्तों का अमल उसके लिए आसान होगा और अगर बदबकत है तो बदबकतों का अमल अगर आप अपने दिल में अल्लाह की तात फरमा बरदारी की रगबत पा रहे हैं तो ये खुश आइंद बात है और अगर इसके बरखिलाफ कोई और हालत है तो जल्द अज जल्द अपने दिल का इलाज करें नंबर दस कसम का मुतालबा ये बगैर कसम खाना जायज़ है ये हदीस हमें बताती है कि कसम का मतालबा किए बग़ैर कसम खाना जायज़ है हदीस में जिस बात पर कसम खाई गई है वह एक गैबी चीज़ है इसलिए कसम के जरिया इसकी ताकीद की ज़रूरत थी नंबर ग्यारह हदीस से बााहिर ये मालूम होता है कि बसा अवत इंसान नेक अमल करने के बावजूद मौत से पहले तौफीक से महरूम होकर जहन्नम रसीद हो जाता है लेकिन सही है नहीं कि एक दूसरी हदीस से इसकी वजाहत हो जाती है उसमें है कि इंसान लोगों के देखने में जन्नतियों का सा अमल करता रहता है हालांकि वो जहन्नमी होता है और आदमी लोगों के देखने में चहन नमियों का सा अमल करता रहता है हालांकि वो जन्नती होता है लोगों को के लोगों के देखने में कहने से इस बात का इशारा मिलता है कि बातिन कुछ और था और उसी बातिन यानि खुफिया खराबी की बिना पर उसका ये बुरा अंजाम हुआ नंबर बारह इस हदीस से एक मुसलमान को ये सबक मिलता है कि वो सूए खातम से हमेशा डरता रहे सो ये खात्मा से यानी बुरी मौत से हमेशा डरता रहे सदा अपने दिल को पाक साफ रखे पोशिदा गुनाहों से दूर रहे कि इनका नतीजा बहुत भयानक है साथ ही अल्लाह ताला से दीन पर साबित कदमी की दुआ करता रहे जैसा कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसोलम से ये दुआ साबित है कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे या किया करते थे या मुख़लिबल क़लूबी सब बित कल सब कुलू बना अला दिनिक या मुकलिबल क़लूब सब कुलू बना अला दीनिक शाहमे की ये रिवायत है कि आए दिलों के फेरने वाले अपने दीन पर हमारे दिल को जमा दे नंबर तेरह जिस रब ने एक इंसान को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हुए दुनियावी जिंदगी अता फरमाई मरने के बाद दोबारा जिंदगी अता करना उसके लिए बहुत आसान है लिहाजा इंसान को उस रब के सामने हाजिरी का वक्त कभी फरामोश न करना चाहिए नंबर चौदह इस हदीस में राय हक से मुनहरिफ अफराद के लिए तरगीब मौजूद है कि वह अपनी रविश की जल्द असलाह कर ले जो बिगड़े हुए हैं रास्ते से हटे हुए हैं इस हदीस में इस हदीस में ऐसे लोगों ऐस ऐसे लोगों के लिए तरगीब है कि वह अपनी रविश की जल्द असलाह कर लें अल्लाह की तरफ रुजू रुजू हो जाए और अल्लाह का खौफ करें गुनाहों से बाज आ जाएं गुनाहों की कसरत के कसरत के बावजूद अल्लाह से उम्मीद ना तोड़ें मायूस ना हो बल्कि अपने रब से अच्छा गुमान रखें क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे से उसके गुमान के मुताबिक ही मामला करता है तो ये अरब नवी की हदीस नंबर चार थी जो मैंने आपके गोश गुजार कर दी है ये और इस हदीस पाक से जो हमें फ़वाद अहकाम मालूम हुए हैं उन्हें भी हमने आपके आपके गोश गुज़ार कर दी है इस उम्मीद के साथ कि हमने जो कुछ कहा है और जो कुछ सुना है इन शाह तक मुताबिक हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे अल्लाह तब को नेक आमाल करने के तोफ़ी अदा फ़रमाए और बुरे आमाल से अल्लाह तब को बचाए रब बना اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته